अंडर एक्टिव थायरॉयड ग्लैंड, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म, व्हाट यू नीड टू नो। व्हाट इज हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ कंडीशन इन विच द थायरॉयड ग्लैंड डज नॉट मेक इनफ थायरॉयड हॉर्मोन। फंक्शन ऑफ थायरॉयड हॉर्मोन। थायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूसिस थ्री हॉर्मोन्स, ट्राई आयडोथायरोनिन ऑल्सो नोन एज T3, टेट्रा आयडोथायरोनिन ऑल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन और T4, कैल्सिटोनिन। दीज हॉर्मोन्स कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ मेटाबोलिज्म। कॉजेस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। अटैक बाय इम्यून सिस्टम ऑन द थायरॉयड ग्लैंड। वायरल इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड और अदर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस। पोस्ट प्रेगनेंसी थायरॉयडाइटिस। सर्टेन मेडिकेशन सच एज लिथियम एंड अम्योडेरोन एंड सम टाइम्स ऑफ कीमोथेरापी। कंजेनिटल डिफेक्ट, दैट इज अ डिफेक्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग बर्थ। पिट्यूटरी ट्यूमर और पिट्यूटरी सर्जरी। कॉजेस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। रेडिएशन ट्रीटमेंट्स टू द नेक और ब्रेन टू ट्रीट डिफरेंट कैंसर्स। यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन टू ट्रीट एन ओवर एक्टिव थायरॉयड ग्लैंड। सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। सीहान सिंड्रोम, ए कंडीशन दैट मे अकर इन ए वुमेन हु ब्लीड सीवियरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ एंड कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अर्ली सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। हार्ड स्टूल्स और कॉन्स्टिपेशन। फीलिंग कोल्ड इवन इन नॉर्मल वेदर। फटीग। हेवियर एंड इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल पीरियड। जॉइंट और मसल पेन। पेलनेस और ड्राई स्किन। सैडनेस और डिप्रेशन। थिन ब्रिटल हेयर और फिंगर नेल्स। वीकनेस। वेट गेन। लेट सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इफ नॉट ट्रीटेड। डिक्रीज टेस्ट एंड स्मेल। हॉर्सनेस, दैट इज एबनॉर्मल वॉइस चेंजेस। पफी फेस, हैंड्स एंड फीट। स्लो स्पीच। थिकनिंग ऑफ द स्किन। थिनिंग ऑफ आईब्रोज। लो बॉडी टेम्परेचर एंड स्लो हार्ट रेट। एग्जाम्स एंड टेस्ट। फिजिकल एग्जामिनेशंस। द डॉक्टर मे चेक फॉर द साइज ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। थिन ब्रिटल हेयर। कोर्स फीचर्स ऑफ द फेस। पेल और ड्राई स्किन विच मे बी कूल टू द टच। रिफ्लेक्सेस दैट आर एबनॉर्मल। स्वेलिंग ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स। ब्लड टेस्ट फॉर द हाइपोथायरॉयडिज्म। TSH, दैट इज अ थायरॉयड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन। द नॉर्मल रेंज इज 0.4 to 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ हॉर्मोन पर लीटर ऑफ द ब्लड। टोटल T4, दैट इज अ थायरोक्सिन। द नॉर्मल लेवल इज 5 to 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। फ्री T4, दैट इज अ फ्री थायरोक्सिन, 0.8 to 2.8 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। ए नॉर्मल TSH एंड नॉर्मल T4 इंडिकेट्स ए नॉर्मली फंक्शनिंग थायरॉयड ग्लैंड। ए लो TSH एंड हाई T4 जनरली इंडिकेट्स हाइपर थायरॉयडिज्म। ए हाई TSH एंड लो T4 इंडिकेट्स प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यू टू अ थायरॉयड डिजीज। ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट गोल इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द थायरॉयड हॉर्मोन। लेवोथायरोक्सिन इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेडिसिन। इनिशियली ए पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड द लोएस्ट पॉसिबल डोज दैट रिलीव्स द सिम्टम्स एंड ब्रिंग्स ब्लड हॉर्मोन लेवल्स बैक टू नॉर्मल। अ पेशेंट विथ हार्ट डिजीज और ओल्डर पेशेंट, डॉक्टर मे स्टार्ट ऑन ए वेरी स्मॉल डोज। मोस्ट पीपल विथ एन अंडर एक्टिव थायरॉयड विल नीड टू टेक दिस मेडिसिन फॉर लाइफ। वेन स्टार्टिंग मेडिसिन, डॉक्टर मे चेक हॉर्मोन लेवल्स एवरी 2 to 3 मंथ्स। आफ्टर दैट थायरॉयड हॉर्मोन लेवल शुड बी मॉनिटर एटलीस्ट वंस एवरी ईयर। प्रिकॉशंस टू बी टेकन। अ पेशेंट शुड नॉट स्टॉप टेकिंग द मेडिसिन इवन इफ ही और सी फील्स बेटर। कंटिन्यू टेकिंग इट एग्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब बाई डॉक्टर। फूड कैन चेंज द वे द बॉडी एब्जॉर्ब्स थायरॉयड मेडिसिन। कंसल्ट विथ डॉक्टर बिफोर ईटिंग ए लॉट ऑफ सोय प्रोडक्ट्स और हाई फाइबर डायट। थायरॉयड मेडिसिन वर्क बेस्ट ऑन एन एम्प्टी स्टमक एंड वेन 1 hour बिफोर एनी अदर मेडिसिन। टेकिंग इट एट बेड टाइम मे अलो योर बॉडी टू एब्जॉर्ब द मेडिसिन बेटर देन टेकिंग इट इन द बेड टाइम। वेट फॉर एटलीस्ट 4 hours आफ्टर टेकिंग थायरॉयड हॉर्मोन।
Before you take fiber supplement, calcium, iron, multivitamins, aluminum hydroxide, antacids, cholesterol, or medicines that bind bile acid. So these medicines may interact with the thyroxine, levothyroxine drug, and may decrease the bioavailability of the thyroxine. Precautions to be taken. Symptoms of high dose of levothyroxine. Palpitation, that is an increased heart rate. If the levothyroxine dose is high, it may show increase in heart rate, rapid weight loss, restlessness or shakiness, sweating. Patients are advised to consult doctor for the above symptoms. In most cases, thyroid hormone level becomes normal with proper treatment. A patient will likely take a thyroid hormone medicine for the rest of life. Possible complications. Mixed edema coma, the most severe forms of hypothyroidism, is rare. It occurs when thyroid hormone levels get very low. It can be caused by an infection, illness, exposure to cold, or certain medicines in people with untreated hypothyroidism. Mixed edema coma is a medical emergency that must be treated in the hospital. Symptoms and signs of mixed edema coma include below normal temperature, decreased breathing, low blood pressure, low blood sugar, unresponsiveness, inappropriate or uncharacteristic mood. People with untreated hypothyroidism are at increased risk of infection, infertility, miscarriage, giving birth to a baby with birth defects, heart disease because of higher levels of the LDL cholesterol, heart failure. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe.